नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले के दूधीचुआ डीएवी स्कूल की छात्रा शाबरीन परवीन का 12वीं साइंस में का प्रथम स्थान आया है। पूरे जिले में टॉप करने वाले डीपॉल स्कूल के अभिषेक महाजन हैं। अभिषेक महाजन का कॉमर्स में 96.4% के साथ पूरे जिले में पहला स्थान है, वहीं शाबरीन परवीन 95.8% के साथ पूरे जिले में दूसरे स्थान पर हैं। सिंगरौली की आवाज़ से बातचीत करते हुए शाबरीन परवीन ने अपनी कामयाबी का श्रेय मामा मामी को दिया है। शाबरीन बचपन से ही पढ़ने में होनहार तो थी ही, उसके अलावा वो स्कूल के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। लेकिन शाबरीन की मामी बताती हैं कि शाबरीन की कामयाबी आसान नहीं थी। वे बचपन से मामा मामी के साथ तो रहती थी, लेकिन उनके कामयाबी पर उस वक्त गहरा झटका लगा जब उनकी माँ का सड़क दुर्घटना में पिछले साल मौत हो गई थी। लेकिन शाबरीन के मामा मामी उनके हौसले को कम नहीं होने दिया और लगातार उन्होंने शाबरीन को प्रेरित किया, जिसके कारण उन्हें ये कामयाबी मिली है। शाबरीन का सपना IAS ऑफिसर बनने का है। अपनी कामयाबी पर और शाबरीन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस पूरे इंटरव्यू में। CBSE बोर्ड एग्जाम 2019 के रिजल्ट कल घोषित कर दिए गए थे। हमारे साथ आज बात करने के लिए टॉपर छात्रा, होनहार छात्रा शाबरीन परवीन मौजूद हैं, जो कि पूरे सिंगरौली जिले में दूसरे स्थान पर उन्होंने दूसरा स्थान जिनका रहा 95.8% जिन्होंने प्राप्त किया। शाबरीन से ही जानते हैं कि इस सफलता के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की और ये सफलता उन्हें कैसे हासिल हुई। शाबरीन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या लगता है कैसे ये सफलता हासिल हुई, कितनी मेहनत से पढ़ाई करती थी आप? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती थी, जो स्कूल में पढ़ाया गया उसे पढ़ा, उसके बाद घर में कंटिन्यूसली मेहनत किया। जो सेल्फ स्टडी सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप कितना भी कहीं भी पढ़ लें, लेकिन जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई उसका मतलब कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। सो उसके लिए उसकी वजह से, और उसके बाद दिन में तो 7-8 घंटे पढ़ाई हो ही जाती है, और सबसे पहली बात कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं इसका श्रेय अपनी माता पिता और अपने मामा मामी को खासकर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहीं से पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा और अपने बच्चों की तरह मतलब मुझे मोटिवेट किया कि तुम पढ़ो, और उनकी वजह से आज कह सकते हैं कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है। और अगर दूसरा बात, एक और चीज़ होती है कि हमें मुझे प्रेशर नहीं मिला फैमिली की तरफ से। बहुत सारे बच्चों पे मतलब प्रेशर होता है कि आपको इतना स्कोर करना ही है, एंड आई डिडंट हैव एनी प्रेशर। तो प्रेशर फ्री इन्वायरमेंट जो था वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। तो फिर मामा मामी के साथ आप रह रहे हैं, तो आपको बचपन से ही आप यहाँ रहे, कभी भी आपको लगता रहा होगा कि मम्मी पापा भी साथ होते हैं, ऐसा कभी लगा? कभी कभी लगता था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। दे वर जस्ट लाइक माय पेरेंट्स एंड ऑलवेज हैव लव्ड मी लाइक दैट। सो तो आपका आगे का क्या सपना है, क्या कुछ करना चाहती हैं? वैसे तो मेरा पहला है कि मुझे कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी। IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी, बिल्कुल शुभकामनाएं। शाबरीन जी, एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको पढ़ाई के साथ साथ जैसे स्कूल से सपोर्ट मिला, आप कह रही हैं घर से सपोर्ट मिला, क्या कभी कोचिंग भी ज्वाइन किया आपने? हाँ, कोचिंग गई थी, बट वो भी मेरे काम आया। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अगर देना चाहूँगी तो मैं अपने स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल सर और इन सबको ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और पहला मोटिवेशन मुझे अच्छा स्कोर करने का मेरे स्कूल के टीचर्स ने ही दिया कि तुम इतना ले करके आओ। तो फिर आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से रहे? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, मैथ्स भी और फिजिक्स भी, मतलब सब, लेकिन ज्यादा केमिस्ट्री फेवरेट। आमतौर पर देखा जाता है कि जो बहुत सारे आपके साथ आपके दोस्त होंगे तो वो सफलता बहुत ही जल्दी से पाना चाहते हैं, और पेशेंस की जो एक कमी रहती है, सोचते हैं कि मैं भी इसी तरह बहुत ही जल्दी से सफलता अर्जित कर लूं, लेकिन इसके पीछे धैर्य कितना रहा आपका, पेशेंस कितना रहा? वो तो पेशेंस तो बचपन से रहा है, मतलब पेशेंस ही रखेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि अगर पढ़ने पे बैठते हैं तो लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे पेशेंटली सारा चीज़ पढ़ें उसके बाद ही सब अच्छा हो पाता है। तो फिर पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। IAS ऑफिसर बनने का सपना देख रही हैं आप जी, तो इसके अलावा आगे की पढ़ाई कहाँ करना चाह रही हैं? आगे की पढ़ाई तो अभी देखते हैं, अब एग्जाम्स बहुत सारे दिए हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, पर बाहर ही करना चाहूँगी। बाहर ही करना चाह रही हैं, IIT वगैरह। आपके हॉबीज क्या क्या हैं? पढ़ाई के अलावा मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, टीवी देखना पसंद है, और
टीवी देखती हैं, मूवी देखती हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स तो कहते हैं कि अगर आप ऐसे देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज का एक लिमिट होता है। सबको अगर बैलेंस्ड वे में लेके चले तो किसी भी चीज का कमी नहीं है। आप अगर बहुत ज्यादा मूवीज देखने लगे तो ये सही में बहुत नुकसानदायक है, बट इफ यू अगर आप उसको एक लिमिटेड वे में देखें तो वो ऐसा नुकसान नहीं करेगा। तो सभी आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं? नहीं, सोशल मीडिया सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी। आपके अलावा अगर आप आईएएस बनना चाह रही हैं, जूनियर जो होंगे आपके, निश्चित रूप से रिजल्ट देखे होंगे तो आपको देखे होंगे, वो भी आश्चर्य हुए होंगे कि सबरीन ने हम साथ पढ़ रहे थे वो, अभी कभी आपने सोचा कि मैं यहाँ टॉप करूंगी? सोचा तो था क्योंकि मतलब, लेकिन फिर इतना अच्छा भी नहीं सोचा था, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने नहीं सोचा था कि मैं टॉप करूंगी। मेरा एक्सपेक्टेशन बस स्कूल के था, स्कूल तक था। तो स्कूल तक था जी। और अपने जूनियर को क्या संदेश देना चाहती हैं जो आपके साथ और पढ़ने पढ़ रहे हैं? हाँ, कि कैसे वो पढ़ाई करे तो आपके तरह ही बन जाए या फिर आपके आसपास भी हुआ है? जी, बस कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें, और ये भी नहीं कि सिर्फ मेहनत, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं कि पूरे 12 घंटे लगे रहे। कुछ अपने लिए भी टाइम निकालना जरूरी है, केवल पढ़ाई पे ही मतलब नहीं, और ये भी नहीं कि कम्प्लीटली सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं, ये सब चीज़ नहीं, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, सब अच्छा होगा। तो आपका दिन का शेड्यूल कैसे रहता था, क्या कुछ करती थी दिन भर में? दिन भर में जब सुबह उठ के फिर ब्रेकफास्ट करके फिर पढ़ने बैठ जाती थी, उसके बाद फिर कुछ टाइम का ब्रेक, फिर पढ़ाई, फिर ब्रेक, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर बीच बीच में। हाँ, जिससे कि रिलीव, प्रेशर रिलीज, हाँ, प्रेशर रिलीज हो जाए। तो सुना आपने, हम बात कर रहे थे सिंगरौली जिले में सेकंड टॉपर जो कि सबरीन परवीन थी, कितनी आसानी से उन्होंने सारे सवालों का जवाब